हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और हम आ चुके हैं अभी हेवन ऑन अर्थ कहे जाने वाले कश्मीर। और ये हमारा 4-5 दिन का ट्रिप आपके साथ बने रहेंगे कश्मीर से ही। और इस ट्रिप का शुभारंभ करने के लिए हम लोग जा रहे हैं महादेव से आशीर्वाद लेने। और यहाँ पे श्रीनगर का सबसे पुराना टेम्पल शंकराचार्य टेम्पल तो जा रहे हैं दर्शन करने, और ट्रक करके जा रहे हैं क्योंकि नीचे ट्रैफिक जाम की वजह से सारी गाड़ियाँ जो हैं वहीं पे रुक गई हैं। कुछ कुछ आके इधर भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जाम था, तो हम लोगों ने सोचा कि ट्रैक करके ही जाते हैं। और ठीक है, चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। तो फाइनली 1.5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम लोग आ चुके हैं। शायद यहाँ से स्टेयर से स्टार्ट होंगी आगे थोड़ा सा। यहाँ पर 4-व्हीलर इस पॉइंट के बाद से अलाउड नहीं है। तो वैसे भी अगर आप बिना ट्रैफिक वाले टाइम पर भी आते हो तो वहाँ से उतर के आपको थोड़ा दूर पैदल चलना पड़ेगा और उसके बाद फिर स्टेयर से लेनी पड़ेगी। थक चुके हैं, ठंडी में गर्मी आ गई है पूरी। अभी यहाँ पे 2 डिग्री टेम्परेचर है और मेरे सामने देखो शायद टिकट काउंट नहीं, लाइन है जेंट्स एंड लेडीज का जो कि चेकिंग करने के लिए होता है। और पता नहीं इसके बाद अलाउड है कि नहीं कुछ भी। तो देखो यहाँ पे ये चेकिंग के लिए है, तो यहाँ पे चेकिंग चल रही है तो हम लोग चेक कराते हैं और आगे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली चेकिंग हो गई और ये हमारा सीढ़ी का गेट है। तो सीढ़ी पे भगवान का आशीर्वाद लेते हुए घंटी बजा के आगे बढ़ चुके हैं। ये शायद 200 स्टेयर्स का होने वाला है। और इधर देखो ये पूरे जंगल में ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन ये बना हुआ है। 200 सीढ़ियाँ हैं तो चढ़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं मंदिर के पास कैसा नज़ारा है। देखो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे ऊपर। और ऊपर से मुझे लगता है बहुत ही अच्छा व्यू आने वाला है। नीचे तो पूरा कोहरा ही कोहरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही हम ऊपर आए ये अप्रॉक्सीमेटली 1800 मीटर्स अबव द सी लेवल है। तो ये नीचे कोहरे में तो आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, लेकिन ऑन द टॉप जाके दिखाने की कोशिश करते हैं कि नीचे अभी भी कोहरा ही कोहरा है पूरा। और ऊपर पे जब हम लोग आ चुके हैं थोड़ी धूप दिख रही है। ये साइड से देखते हैं तो ठीक है। देखो ये ऊपर जाना था हम थोड़ा सा आगे दिखाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ऊपर मंदिर है इधर, यहाँ से अगर हम सीधे जाएं ऊपर तो मंदिर मिलेगा। तो अभी चलते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली 150-200 स्टेयर्स हो गई हैं, थोड़ी सी और बची है। देखो ये मंदिर ऊपर दिख रहा है, अभी यहाँ से शायद ना दिख रहा हो क्योंकि झाड़ियाँ हैं और सांस फूल चुकी है पूरी। लेकिन ट्रैक करने का थोड़ा सा आदत है, केदारकंठा में चला था और केदारनाथ भी चला था, तो देखो ऊपर जाकर और अच्छा लगने वाला है ये। और यहाँ से देखो कितनी नीचे जंगल है पूरा। तो चढ़ते हैं थोड़ा सा और महादेव का नाम लेते हुए, हर हर महादेव। आ गए फाइनली मेन गेट पे। हो थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है पूरी। फाइनली हम आ चुके हैं गेट पे। हो थोड़ा सा सांस लेते हैं फिर अंदर जाते हैं। तो फाइनली थोड़ा सांस लेने के बाद वापस अंदर जा रहे हैं। और ये देखो हर हर महादेव। और हम लोग आ चुके हैं मंदिर के कैंपस में और ये दिख रहा है 337 या 300 BC के आसपास का है ये आर्किटेक्चर। और ये देखो अभी शायद इस पर इन लोगों ने
पाइप्स वगैरह लगा के रखे हैं पता नहीं क्यों। और ये देखो ये शंकराचार्य टेम्पल का मेन गेट है, एंट्री गेट। ये दान पात्र है, यहाँ प्रसाद मिल रहा है। और ये यहाँ से अच्छा व्यू आता, लेकिन यहाँ पे कोहरा ही कोहरा है। नीचे नीचे तो यहाँ पे इतनी धूप दिख रही है आपको, नीचे कश्मीर श्रीनगर में ये कोहरा जो है वो वहाँ दिख रहा है, सूरज आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। ये देखो पूरा कोहरा ही कोहरा यार। और ये यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज वाली चीज़ें बनी हुई हैं। तो ठीक है, मंदिर जाते हैं यहाँ पे और देखते हैं। यहाँ पे ऐसे बैठने बैठने की व्यवस्था है पूरी, जूता वूता खोलने की भी है, तो जूता खोल के ही जाना पड़ेगा हमको। और ये देखो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी है। तो अभी यार यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता, लेकिन देखो पानी पीने का है, बाकी फैसिलिटीज अच्छी हैं। बस यही है कि कोहरे की वजह से अभी कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि ये इतना ऊपर है, अगर ये कोहरा नहीं होता तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता। ठीक है, चलते हैं मंदिर दर्शन करते हैं और फिर आते हैं आपको एक्सपीरियंस बताते हैं। अगर अंदर अलाउड हुआ तो अंदर भी दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए आप एंट्री गेट का दर्शन कर लो। तो ठीक है, अभी जा रहे हैं हम लोग मंदिर। और यार बहुत ही स्टीप सीढ़ियाँ हैं, पता नहीं अंदर अलाउड है कि नहीं। ये 70 डिग्री 80 डिग्री स्टीप है। ये देखो हम लोग आ चुके हैं मंदिर पे, बहुत ही पतली सीढ़ियाँ, बहुत ही ऊपर है। तो उधर से जाना है अंदर, अंदर पे चलो कैमरा लेना ना अच्छा आइडिया नहीं होगा, तो मैं यहीं पे बंद करता हूँ, वापस आके फिर आपको दिखाते हैं। और ये ब्यूटीफुल व्यू शंकराचार्य टेम्पल का। तो फाइनली हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं अंदर से, और अंदर लगभग 3 फीट के, मतलब 3 फीट के अप्रॉक्सी था ज्योतिर्लिंग, और बहुत ही अच्छा फील हुआ। अंदर अलाउड नहीं था कुछ भी, तो इसलिए बाहर ही बंद कर दिए थे। और सब अच्छा है, मतलब अंदर गर्भगृह में तो नहीं ले जाना चाहिए कैमरा वगैरह। तो हम लोग बाहर आ चुके हैं अभी, और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही ब्यूटीफुल मिल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो अभी मैक्सिमम चीज़ें कोहरे से ढक गई है, तो उतना आ नहीं रहा है, नहीं तो अगर कोहरा नहीं रहता तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता। ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है शायद से, पाइप वगैरह लगे हुए हैं पता नहीं क्यों, और इसमें जाली भी लगी हुई है, तो उसकी वजह से व्यू उतना अच्छा आ नहीं पा रहा है। लेकिन ये बाहर वाला व्यू तो मुझे बस ये है कि कोहरा नीचे श्रीनगर में फैला हुआ है, नीचे 2 डिग्री या फिर 0 डिग्री, मेरे उस समय जब निकलते थे 2-0 डिग्री टेम्परेचर था, और अभी भी उतना ही होगा, 1-2 हुआ होगा मैक्सिमम। ये कोहरे में यार कुछ आ ही नहीं रहा है। अरे देखो यहाँ से हम लोग लाइन लगा के गए थे ऊपर, ऊपर मंदिर था और बहुत ही अच्छी शिवलिंग था। तो ठीक है, अब शंकराचार्य टेम्पल ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर आपको अभी और भी श्रीनगर में ही हमको 2-3 मतलब 3-4 जगह और घूमना है, उसके बाद हमारा आगे का ट्रिप रहेगा। कल हम लोग सोनमर्ग जाएंगे, उसके बाद पहलगाम, फिर गुलमर्ग। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल है, तो जितने भी वीडियोज बनती जाएंगे वो आती जाएंगी। और ये देखो यहाँ से वापस उतरने का रास्ता है। तो ठीक है, यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करेंगे, और आगे मिलते हैं श्रीनगर के ही एक और ब्लॉग में, जो कि यहाँ के लोकल्स कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि परी महल है, और भी टुलिप गार्डन्स अगर ओपन रहा तो वो भी दिखाएंगे। तो शंकराचार्य
श्रीनगर ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, और आगे आने वाले वीडियोज भी हर एक दो दिन में आपको वीडियोज मिलती रहेंगी बाकी जगहों की। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, और यार शंकराचार्य टेम्पल ज़रूर आएँ अगर श्रीनगर आ रहे हैं तो। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी ही।